नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो एनबीबीएस 2022 की सीरीज में, जैसा मैंने आपको वीडियो कल में बताया दिया और लोग कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी उसमें कम थी, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ दो मिनट लूंगा। जो मैंने एक समरी बताई थी, वो समरी यही थी कि इस साल नीट क्वालिफाइड तकरीबन 1.25 लाख बच्चे ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से उम्मीद है कट ऑफ 5-7 नंबर ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि वैसे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने बच्चे ऊपर होंगे उतने नीचे भी होंगे, लेकिन सुना है कि एग्जाम रिलेटिवली आसान था लास्ट ईयर से। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर साल ना इंडिया में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। इस शब्द को समझिए, कॉम्पिटिटिवनेस, दैट मीन्स बच्चे और तैयारी कर रहे हैं। तो जब बच्चे और तैयारी कर रहे हैं तो नंबर से वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो मान सकते हैं कि कट ऑफ है वो 5 से 8 नंबर बढ़ेगी, और सिमिलरली सारी कट ऑफ स्पीच है वो ऑल इंडिया कोटा की हो, जनरल कैटेगरी, वो हर साल बढ़ रही है। लास्ट ईयर आप कहेंगे कि नहीं सर, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कम थी, क्योंकि बहुत सारे नए सरकारी कॉलेज आ गए थे। तो वो अगर बहुत सारे सरकारी कॉलेज अगले 2 महीने में खोल दिए गए, जिनकी अभी कोई बहुत ज्यादा खबर नहीं आई है, क्योंकि लास्ट ईयर तो देखिए सबसे ज्यादा यूपी में खोले गए थे, क्योंकि यूपी का इलेक्शन था, यूपी का इलेक्शन हो गया है, भाजपा जीत गई है, तो कोई और नया कॉलेज नहीं खुल रहा। तमिलनाडु में इलेक्शन भी हो गए, राइट। अब तो इस साल इलेक्शन गुजरात है, हिमाचल में है, और उसमें कोई मेडिकल कॉलेज के लिए खास रिक्वायरमेंट है नहीं, पहले ही बहुत है हिमाचल में 6। तो यूपी के 10 आप मान समझ सकते हैं कि वो यूपी के इलेक्शन की वजह से खोले गए थे। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इस साल युद्ध स्तर पे खोले जाएंगे। हाँ, 2023 में शायद खोले जा सकते हैं 24 के इलेक्शन के मद्देनजर, लेकिन 23 में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो अगर 2-3 हजार सीटें ही बढ़ेंगी तो फिर वो कॉम्पनसेट हो जाएगा जितने बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं। मेन बात मेरी ये थी, और उसी से मैं इस वीडियो पे आ जाऊंगा, कि दो रूल, एक तो एनएमसी वाला फीस वाला, जो अभी तक नोटिफिकेशन फाइनल नहीं आई है, लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ब्रोशर आएगा तो आ जाएगा। और मैं हमेशा समझाता हूँ कि उसका फायदा सिर्फ उनको है जो सरकारी कॉलेज से 10 नंबर से रह जाते हैं। तो जो 300 वाले 400 वाले उनके लिए नुकसान है कि उनका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। और दूसरा जो लास्ट ईयर हुआ था कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बहुत सख्त रूल आ गए कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उसी कॉलेज में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसी कॉलेज में आपको हॉस्पिटल होना चाहिए, कम से कम 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए, उस कंट्री में आपको रजिस्टर करना है वहाँ की मेडिकल काउंसिल से। तो ये सब देखते हुए जो बच्चे बजट था पर बाहर जा रहे थे, वो भी अब इंडिया में फाइट मारेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उन नंबरों वाले। ऑफकोर्स जिसको इंडिया में सरकारी मिल रहा है वो तो पहले ही बाहर नहीं जाता ना, तो इस बार थोड़ी दिक्कत होने वाली है ये जो प्राइवेट कॉलेज के एस्पिरेंट्स थे। और आपको अच्छे काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, और उसी के साथ बैकअप की। तो सबसे जो मशहूर बैकअप है हिंदुस्तान के बच्चों के लिए जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम बहुत सारे देशों में बाहर जाते हैं और जानते हैं कि यूएस कनाडा जैसे देशों में हमारे लिए जाना इम्पॉसिबल है। तो हम बात करते हैं रशिया, फिलीपींस, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूक्रेन में तो आई एम श्योर कोई बच्चा इस साल जाएगा नहीं, जो लाख पुराने बच्चे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चाइना में भी अभी तक बच्चे पुराने वापस नहीं गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि नए बच्चे पंगा लेंगे जाने का। अब इन दो देशों को हटा दो तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचती है हमारे पास। और इसके अंदर जो सबसे कॉमन और सबसे वो है नेपाल, जो कि मिनी इंडिया कह लीजिए, वीजा फ्री एंट्री है। तो अगर मैं नेपाल को अपने देश का 29वां ही स्टेट मानूं तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं हो सकती। और नेपाल के सीट्स जो हमारे पास कुछ 500 के करीब सीटें हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, 540, वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है। नेपाल में कुछ बेसिक चीजें जो पिछले एक साल से चेंजेस हुए हैं, क्योंकि वही बात है, फ्रॉड कंसल्टेंट्स बहुत झूठ बोलते हैं। अब 2001 तो ये समझिए कि नेपाल भी पीछे चल रहा है। तो पता, जो जैसे इंडिया के 2021 का बैच अप्रैल 2022 में चालू हुआ है ना, नेपाल 2021 का जो बैच है उसी क्लासे अब चालू होंगी जुलाई एंड में, जस्ट इमेजिन। और ऑफकोर्स चालू हो जाएंगे तो नेपाल ने अपने 2022 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और जिस तरह इंडिया ने फिर भी इस साल जल्दी करके, शायद जो हमें उम्मीद है कि हम लास्ट ईयर की तरह अप्रैल तक नहीं जाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम जनवरी में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, नेपाल में यही क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट होंगी फॉर 2022 बैच। तो ये पहले बात का ध्यान रखिएगा। इसका फायदा, इसका मतलब ये कि नेपाल इंडिया से 3 महीने पीछे चल रहा है, ठीक है, और बाद में वो कॉम्पनसेट कर ही देंगे एक्स्ट्रा क्लासेस देके जैसे इंडिया दे रही है। तो हमें फायदा ये है कि इंडिया में पूरी ट्राई कर लेते हैं और फिर नहीं मिलता तो नेपाल हम सो सकते हैं। नेपाल में अब एक फिक्स फीस कर दी गई है $75,000 पूरे कोर्स की उस गवर्नमेंट के द्वारा।
आज डॉलर 80 रुपए के हैं तो 80 रुपए के हिसाब से समझाऊंगा, बिल्कुल एक राउंड फिगर हो जाता है 60 लाख। तो 60 लाख रुपीज आपकी ट्यूशन फी है पूरे कोर्स की, पर 4.5 साल के बदले आपको ये फीस जो है ये 3 साल में पे करनी पड़ती है। तो आपको 20 लाख 3 साल में पे करने हैं। हॉस्टल खाना इंडिया की तरह 2-2.5 लाख पर ईयर का होता है। सो टोटल मिला के आना जाना आपका 75 लाख रुपए में नेपाल में काम हो जाएगा, जो कि आप मान के चलिए कि इंडिया के मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट कॉलेज से सस्ता है। पर फिर भी मैं कहूंगा, देखिए नेपाल में जाके यही दिक्कत है क्योंकि वो फिर भी फॉरेन कंट्री है, तो वहां पर 5.5 साल कोर्स करके आपको 1 साल इंडिया में भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, नेक्स्ट दोनों जगह देना पड़ेगा। सो जो नेपाल जा रहा है उसका 1 साल बढ़ जाता है। तो किसको जाना चाहिए नेपाल, देखिए अगर आपके 400 नंबर हैं और आपको 75 लाख के पैकेज में यूपी हरियाणा तेलंगाना आंध्रा तमिलनाडु में सीट मिल रही है, मैं ओपन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, पंजाब वालों को पंजाब में तो सस्ते भी मिल जाती है या गुजरात या उड़ीसा, पर उसके अलावा, लेकिन इंडिया में अगर आप 90-95 लाख खर्च कर रहे हैं आप सोच सकते हैं। इंडिया में अगर आपको 1.25 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि 1 साल एक्स्ट्रा खर्च करके अगर हमारा काम 75 लाख हो जाता है। तो देखिए नेपाल पहुंचना, या कोई नॉर्थ में रहता है उसके बच्चे को तमिलनाडु में जाना है, तो डिस्टेंस जो है वो टाइम जो है वो मोटा मोटी बराबर पड़ जाता है। और नेपाल में तो आपको पता ही है कि मणिपाल की भी ब्रांच है, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर भी एडमिशन होता है। उसके अलावा काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, टोटल मिला के तो तकरीबन 15 करीब कॉलेज है, सबका सेम रूल हो गया है। अब मुद्दे की बातें, तो नेपाल में जाने के लिए भी आपको 2022 का नीट क्वालिफाई होना चाहिए। इस तरह एमबीबीएस अब्रॉड में 3 साल तक का क्वालिफाई अलाउड होता है, वो नेपाल में नहीं है, तो इसी साल का होना चाहिए, जनरल कैटेगरी वाला होना चाहिए। तो अगर आप कैटेगरी के भी हैं तो जो भी जनरल की कट ऑफ होगी उससे ऊपर आपके नंबर होना चाहिए। तो लेट्स से इस तरह अगर जनरल कट ऑफ 145 आती है, आप ओबीसी हैं या एससी हैं, आपके 125 नंबर है, आप शायद कैटेगरी में क्लियर हैं, लेट्स से कैटेगरी कट ऑफ 117 नंबर की आ गई, बट फिर भी आप नेपाल नहीं जा पाएंगे, ये दो रूल। तीसरा, नेपाल भी अपना पेपर ले रहा है अपने सिटीजन के लिए, तो उसका एक कॉमन फॉर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब काउंसिल लॉन्च कर रही है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन ऑफ नेपाल, वो हमें फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म की कॉस्ट 5,000 रुपीज इंडियन रुपीज है, 8,000 नेपाली रुपीज है, वो फॉर्म भरना जरूरी है वरना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो जिस कभी कभार होता है ना कि नीट से मत सोचिए, बट और जो इंडिया में काउंसलिंग चलती है कि फॉर्म नहीं भरा तो फिर सीट नहीं मिल सकती, चाहे सीटें खाली रह जाए, चाहे नेपाल में ऐसा नहीं होता, तो वो फॉर्म अभी नहीं भरवाया जाएगा, जैसा मैंने कहा वो 3-4 महीने बाद ही भरवाया जाएगा, वो फॉर्म भरना जरूरी है। उसके बाद जितने भी नेपाल के ये 14-15 कॉलेज है, टॉप 4-5 छोड़ के, सो देखिए डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है फेमस बीपी कोराला में, उसके लिए आपको वहां का टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा और जो वहां का फेमस कॉलेज है IOM या पटान अकेडमी या करनाली अकेडमी, वहां नहीं जा पाएंगे, बट बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका नीट क्वालिफाइड हो इस साल जर्नल में। और फिर देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि उसके बाद कॉलेज के पास फ्रीडम रहती है, पर जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतनी उम्मीद है कि आपको मणिपाल मिल जाएगा, या दूसरा बस वही बात है कि आप थोड़ा डोनेशन देने को तैयार रहेंगे तो मिल जाएगा। तो ये है पूरी प्रोसेस, हम आपकी हेल्प करते हैं अगेन एंड टू एंड, जो GK वर्ष का काम है, और जो हमारा सर्विस चार्ज है वो हमेशा की तरह बिल्कुल नॉमिनल 1.5 लाख रुपीज है, जिसमें हम आपको एंड तक सपोर्ट करते हैं आपके नेपाल तक पहुंचने में, नेपाल की एजुकेशन प्राप्त करने में। ठीक है, तो ये है ब्रॉड आइडिया कि नेपाल क्या है, क्या होने वाला है। तो अगर अभी जुलाई चल रहा है तो आप मान के चले ये जो फॉर्म है ये सितंबर अक्टूबर में ही आएगा, तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको तो हम बताते ही रहते हैं। तो नेपाल की 5 सीटों को मैं यही मानता हूँ, 500 को कि आप उसको इंडिया का पार्ट मान लो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, कल्चर फूड एक्सेट्रा सब कुछ काफी हद तक सेम ही है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फिर से MBBS 2022 एडमिशन सीजन के लिए। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 9643362320 पे, सेम नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी है, मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए पहली, देर इज अ फीस फॉर दैट 5,000 रुपीज, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मिल सकता है, कितने आपके मार्क्स हैं और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो वंस अगेन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।